बुलंदशहर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने मस्जिदों के बाहर बांटा कांग्रेस का संकल्प पत्र। 16 सूत्रीय संकल्प पत्र में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया CAA NRC के मुकदमों को वापस लेने का वादा। अंबेडकर हॉस्टल्स की तर्ज पर जनपदों में अल्पसंख्यक हॉस्टल्स खोले जाने का जिक्र। इसमें किस पद पर आप हैं फिलहाल? मेरा नाम सुशील चौधरी है, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व प्रत्याशी 65 विधानसभा बुलंदशहर। अच्छा, आज माइनॉरिटी विंग की तरफ से तमाम मस्जिदों में जी के बाहर 16 सूत्री जो आपका पत्र आपने जारी किया है वो बांटे गए हैं जी, इसके मकसद क्या है? उस पत्र में जी क्या है, आपने क्या मसौदा उसमें तैयार किया है? देखिए, हमारी ये एक माइनॉरिटी विंग है, हमारे जो इसके चेयरमैन हैं शहनवाज भाई, उन्होंने 16 सूत्रीय कार्यक्रम निकाला है। अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, सरकार बनने के बाद में हम क्या करेंगे? सरकार बनी तो CAA NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज जो मुकदमे हुए हैं उनको वापस लेंगे, और जो लोग प्रताड़ित हुए हैं इसमें उनको मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह पब्लिशिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ऐसे ही हमारे जो बुनकर भाई हैं उनको फ्लैट दिए जाएंगे, रेट पर बिजली दी जाएगी, और कांग्रेस के ज़माने में स्थापित की गई कताई मिल उनको दोबारा से स्थापित किया जाएगा। मनमोहन सिंह सरकार ने बुनकरों के लिए जारी किए गए 2350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो 2350 करोड़ रुपए जो उन्होंने आवंटित किए थे उनको खर्च किया जाएगा। सपा सरकार में बंद की गई सभी ट्रेनरियों को दोबारा शुरू किया जाएगा। अंबेडकर हॉस्टलों की तर्ज पर हर ज़िले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद छात्रावास खोले जाएंगे। इस तरह के हमारे 16 कार्यक्रम हैं। इनको मस्जिद के बाहर बांटने का मकसद क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है? हमारी जो पार्टी की जो बहन प्रियंका गांधी जी की नीति है कि हमारी सरकार आने के बाद हम अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए क्या क्या काम करेंगे, क्या इनको हम सुविधाएं देंगे, इसका मकसद ये है कि जो लोग हैं जो भ्रांतियां फैला रही हैं और पार्टियां, उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमारी जो साफ छवि है, जो हम करना चाहते हैं आत्मा से, उसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं और उन लोगों के जहन तक पहुँचाना चाहते हैं इस बात को, इसलिए ये संकल्प पत्र बांटा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रहमत अली है, कांग्रेस का मैं नगर अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का। और ये जो आज हमारा जनाब शाहनवाज आलम के दिशा निर्देश पर, बहन प्रियंका जी के दिशा निर्देश पर ये 16 अंक जो पत्र बांटा गया है, इसमें जो हमेशा जो वादे करे जाते हैं मुस्लिम क्या माइनॉरिटी से, वो कभी पूरे ना करे जाते हैं। आज जो वो जनाब शाहनवाज आलम के मन की एक और बहन प्रियंका मन की ये बात आई, आप मस्जिद के द्वारा इन लोगों को परिचित पहुंचा के उनकी जो मन की बात हैं वो पूरी करेंगे हम। और हमेशा कांग्रेस पार्टी ने संकल्प पत्र में क्या है, संकल्प पत्र में एक तो ये है CAA NRC का जो मुकदमे हैं वो वापसी करे जाएंगे, और आप ये कि ये जो बुड़कन समाज के लिए हैं मुआवजा दिया जाएगा, और ये जो भी हैं 16 से इनके जो वो हैं। अच्छा, मस्जिद के बाहर बांटने का क्या कोई आदेश था या क्या मकसद जी? हमारे जनाब शाहनवाज आलम साहब का ये था, जो भी मस्जिद पर हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं हमारे लोग सभी वहाँ भाई सब मिलते हैं, तो एक संदेश हमारा उससे पहुँच जाएगा।